थोड़ा सा अभी एक क्वेश्चन एकदम दिमाग में आया तो पूछ सकते हो। एक्चुअली पीएचडी में एक होता है कि पहले तो बहुत जोश होता है जब हम एमएससी करते हैं, लगता है यार ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट जैसे ही हम एंटर करते हैं तो कहते नहीं, पहले तो सिक्सर मार रहे हैं फिर वन रन भी नहीं हो रहा है। तो आपका, आप अभी कर रहे हैं रिसेंटली, तो आप ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि मैं भी एक्चुअली ड्यू से एमएससी किया हूँ हंसराज से। तो मेरे को ये रहता है यार, लोगों की जब मैं कहानियाँ सुनता हूँ सीनियर से, तो क्या मतलब मोटिवेशन कैसे आफ्टर टू ईयर्स, शुरुआत के दो साल अच्छे जाते हैं, फिर आता है कि जो आपने किया है पता चलता है कि वो कुछ है ही नहीं, फिर आप शुरू से स्टार्टिंग कर रहे हैं। उसके लिए आपसे मैं हिंट चाहूँगा कि आपका मोटिवेशन क्या है आफ्टर थ्रू आउट पीएचडी। आप कह रहे हैं कि पीएचडी करना चाहिए, तो क्या आप कहना चाहेंगे? देखो अभी मैं सच बताता हूँ, हम लोग का जो अभी मोटिवेशन है वो प्रमोशन है, ठीक है? तो एक मोटिवेशन आपको बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग अभी लेवल 10 में हैं, पीएचडी होते ही लेवल 11 में हो जाएंगे, ठीक है? तो हम लोग का जो प्राइमरी और ऑनेस्ट मोटिवेशन है अभी पीएचडी करने का, वो यही है। आपके लिए होना चाहिए कि आप इंटरव्यू के लिए आपको तुरंत कॉल आ जाएगा, तो आप उसको अपना एक मोटिवेशन का जरिया बनाइए कि आप जितनी जल्दी पीएचडी खत्म करेंगे, आप सिर्फ डीयू में नहीं, जहाँ पे पीजी कोर्सेज हैं, आईआईटी है, आईएम्स हैं, जहाँ पे भी होते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपके जो विंग्स हैं वो और ज़्यादा फैल जाएंगे, आपके जो बास्केट हैं और बड़े हो जाएंगे। तो आप ये सोचो कि जब आप पीएचडी ख़त्म करोगे जल्दी से, तो और अच्छे जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो। अभी तो आप सिर्फ यूजी इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है। जब आपकी पीएचडी ख़त्म हो जाएगी तो आपका पे स्केल भी ज़्यादा होगा और आप अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई भी कर सकते हो। तो आपको अपना मोटिवेशन खुद बनाना पड़ेगा। और ये बहुत कॉमन है कि आप जैसे शुरू किए थे, मैं अभी बता रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, मैंने अपने बहुत सारे मतलब मैंने कुछ लिख लिया, फिर जब मैं उसको पढ़ रही हूँ तो मेरे को शर्म आ, मैंने क्या लिखा, क्योंकि ये होता है, इट इज नॉट समथिंग कि जो आपके साथ एक्सक्लूसिवली हो रहा है, ये सबके साथ होता है। बट बात पता है क्या है, व्हाइल राइटिंग द पीएचडी मैं बोलूंगी कि आप लोग फ्लो मत छोड़िएगा। जब आप लिख रहे हो ना, तो वो फ्लो अगर आप एक हफ्ते के लिए भी बंद कर दोगे ना, तो आपका वो फ्लो टूट जाएगा, तो आप वो कर दोगे। तो मैं एक नंबर वन स्ट्रेटेजी बोलूं, कीप अ फ्लो। आप जो भी लिख रहे हो, कीप एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद योर सुपरवाइजर। ओके, हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, एनरोलमेंट हो गया, जेआरएफ मिल रहा है, काय हो जाते हैं, ठीक है, वो मत कीजिए। He will give you good suggestions. जो है ना, वो बैठा हुआ, वो 20 साल मतलब 25 साल बैठ गए, बहुत लोगों का पीएचडी उन्होंने जमा करवाया है। तो हैव अ ट्रस्ट ऑन योर सुपरवाइजर, keep taking corrections. Corrections will मेरा पांचवा ड्राफ्ट चल रहा है, ठीक है? तो आप समझिए कि अगर वो थोड़ा काट के फेंक भी देना, तो इट इज अ स्टेप। आप इसको डीमोटिवेशन, आपने जो बोला ना, इट इज वेरी कॉमन, ठीक है, कि आई से दैट यू आर एडिंग वैल्यू टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज सिस्टम, व्हेन आर यू डूइंग समथिंग लाइक दिस रिस्पॉन्सिबल। तो मिस्टेक्स आर वेरी इनएविटेबल, होगा ही। आप फर्स्ट ड्राफ्ट पढ़ोगे और थर्ड ड्राफ्ट पढ़ोगे तो बहुत अंतर होगा, बट फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखते जाइए, वो फ्लो नहीं टूटना चाहिए। आप लिखोगे, पढ़ोगे, करेक्ट करोगे ना, तो वो साइकिल है, इट विल एनहांस। तो आप डीमोटिवेशन पता कब आता है, मैं बताओ, हम लिखते नहीं है, अचानक से सर ड्राफ्ट मांग लेते हैं, कुछ पता नहीं, तब आदमी डिमोटिवेट हो जाता है कि हे भगवान ऐसे नहीं होगा। वो फ्लो नहीं टूटना चाहिए, वंस यू एनरोल डोंट ब्रेक द फ्लो। इवन कुछ कुछ लिख के, जस्ट लाइक आई से जर्नल्स, क्या है कि पीएचडी लिखते लिखते उसी टॉपिक पे आपको कुछ आइडिया आए, या फिर उसी का कोई सब टॉपिक आप सोच के उस पे एक आर्टिकल लिख दो, फिर खुद ही को साइट कर दो अपने पीएचडी में, साइटेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है? तो ये प्रोसेस होता है, उसके बहुत सारे सबसेट्स होते हैं, बट द फ्लो शुड कंटिन्यू। कीप ऑलवेज अ कांटेक्ट विद द सुपरवाइजर, ही विल करेक्ट इट, ही विल डू इट। आप लेके काम लेके जाओगे तो वो करेंगे, दैट इज अ वर्क, समझ रहे हो? मैंने नहीं किया है, इसीलिए मैं बोल रही हूं अच्छे से, क्योंकि आई हैव गॉट थ्रू ऑल द गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, आई विल सबमिट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कीप द फ्लो, ठीक है? देयर विल बी करेक्शंस, ओके, देयर विल बी मिस्टेक्स, बट इफ यू कीप द फ्लो ना, इट विल keep the mark graph up, not down, okay? मैम एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगी कि जब हम पीएचडी करें, जैसे आपने बताया, तो वैसे ही मेरी थीसिस जो है वो हमारे गाइड ने ऐसे फेंक दी थी। वो स्टार्टिंग का प्रोसीजर था कि एप्रोक्सी जो भी लिखा हमने अपनी तरफ से बहुत बेहतर लिखा था, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी और बहुत कुछ पढ़ने के बाद में, देन फिर ये डिमोटिवेशन आता है कि ऐसा कैसे होगा, मैंने इतनी मेहनत करी थी और सर ने तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं करी, हमारे मन में कहीं ना कहीं ये चीज आती है।
लेकिन उस चीज से जैसा मैम ने कहा कि हमें ये ना सोच के कि उन्होंने कुछ बेहतर के लिए, कि उनको आप में पोटेंशियल दिख रहा है कि आप कर सकते हो, तो उससे बेहतर आप निकल करके फिर आएंगे और बहुत अच्छा लिखेंगे। तो कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी है, रिसर्च पेपर्स आपको अपने कंटिन्यूस रखने हैं जिससे आपकी लिखने की क्षमता बढ़ेगी। ओके, एक क्वेश्चन मैम, मैम व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बिग यूनिवर्सिटीज तो वहां पे डीयू जेएनयू एएचयू का नाम आता है, एएमयू का नाम आता है, लेकिन अभी अभी ना आईआईटी के अंदर भी बहुत सारे पीएचडी के एडवर्टाइजमेंट आने शुरू हो गए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है क्या इन यूनिवर्सिटी के साथ हम बराबर में आईआईटी वगैरह भी इंटरव्यू देते हैं, जैसे कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, वहां पे भी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री का आ चुका है, तो वो इनके कंपैरिजन में है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आईआईटीज में स्टाइपेंड भी अच्छे होते हैं और फॉरेन फेलोशिप के मौके भी अच्छे मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक डिमांड है आईआईटी एंड आईएम से भी करने का। और आप देखिए कि सीट्स कम हो जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अब आईआईटीज आईएम्स को भी ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाना चाहिए, तो इक्विवेलेंट है और काफ़ी अच्छा है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। नदीम सर से है एक्चुअली, हम लोग जे आर एफ कर लेते हैं तो उसके बाद चीजें भूल जाते हैं, बट मेरा एक क्वेश्चन है कि बिफोर जे आर एफ हमको प्रिपरेशन करनी होती है नेट निकालने के लिए, तो हमारा सिलेबस इतना वास्ट होता है कि पूरा पढ़ना तो मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता, तो क्या इसकी कोई स्ट्रेटजी है कि जैसे कोई बच्चे को पता चल रहा है लास्ट थ्री मंथ्स में वो करना चाहता है तो उसका क्या एक मोटिव होना चाहिए? और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे देखो, कहीं पे भी देखो, बता देते हैं ऑथेंटिक बुक्स पढ़ो, पढ़े कैसे वो कोई नहीं बताता, कि बहुत बड़ी बुक है, बहुत सारी बुक है, बहुत सारे राइटर्स हैं, तो कैसे सिलेक्शन करें और क्या मोटिव होना चाहिए जिससे जे आर एफ अच्छी रैंक के साथ निकल जाए? पहले तो ऐसा होता था कि हर कोई एमएससी के बाद ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता था सीएसआई के लिए, बट अभी अवेयरनेस बढ़ गई है, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे जो बीएससी फाइनल ईयर से भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कि बीएससी में होते होते भी वो पहले से अपना टारगेट कर ले रहे हैं कि हमें सीएसआर लेना है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे है कि वो चाहते हैं कि पोस्ट डॉक करें आगे चल के, वो पोस्ट डॉक भी करें, पीएचडी करके इधर पोस्ट डॉक करें, और कुछ कुछ एस्पिरेंट मुझे ऐसे भी मिले हैं कि बीएससी में ही होकर वो किस तरह पीएचडी फॉरेन यूनिवर्सिटी से कैसे करें, ऑस्ट्रेलिया से कैसे करें, यूएस से कैसे करें, और फेलोशिप के बारे में बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन ये रहना चाहिए कि जब भी आप कोई प्रिपरेशन कोई एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो सिलेबस एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे, है ना, कि आपने अपना यूनिवर्सिटी का सिलेबस निकाल लेना है और जो एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं उसका सिलेबस निकालना है, और उन दोनों में कंपैरिजन करना है कि कितने परसेंट सिलेबस आपका सेम आ रहा है। मान के चलो 70% सिलेबस आपका सेम आ रहा है या 80% सिलेबस सेम आ रहा है, तो आपने एक प्लानिंग बना लेनी है, जब एमएससी फर्स्ट ईयर में हूँ आप जैसे, तो प्लानिंग कर लेना है कि हाँ ये एमएससी फर्स्ट सेम के अंदर मुझे ये यूनिट्स है, तो सीएसआर में जो यूनिट है वही यूनिट मैं इधर भी कवर कर लेता हूँ, बट आपको नोट्स अच्छी प्रीफर करनी है, तो आप नोट्स कैसे प्रीफर करें? तो ज्यादातर आप देखो आपके सीनियर होते हैं, एक तो जो क्वालिफाइड हो चुके हैं उनसे ही आप पहले पूछे, ऐसे नहीं जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे मत पूछिए कि नोट्स कौन सी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो आपको एक सिंपल बोलेंगे, एक ही बुक बोलेंगे, जैसे कि मान के चलो कि आप मान के चलो केमिस्ट्री से हो, तो आपको क्लेडन बोलेंगे कि आप ये आपका क्लेडन है, यही आपका भगवान है, ऐसा बोल के छोड़ देंगे, अब उसके अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि अलग अलग रेफरेंस बुक से आप पढ़ते हो फिर कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हो, तो वो एक रेफरेंस बुक को आपको रखना है, अपने सिलेबस को पास में रखना है, उसी रेफरेंस सिलेबस में से अपने टॉपिक देखना है और उस रेफरेंस बुक से आपको उसको पढ़ना है, तो साथ साथ में आपका एमएससी का भी जो टारगेट है परसेंटेज अच्छा बढ़ जाएगा और आपकी सीएसआर की प्रिपरेशन भी धीरे धीरे जल्दी बढ़ते रहेगी, और आपके पास 2 साल होते हैं एमएससी फर्स्ट ईयर से लेकर तो फाइनल ईयर तक, तो आप मुझे लगता है कि थर्ड सेम आए तक आप वो अचीव कर लेती हूँ कितना सिलेबस आपका कंप्लीट होता है, और हमेशा 100% सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी नहीं है कोई भी एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए, आप 60-70% सिलेबस पे भी अच्छी रैंक ला सकते हैं। और एक पॉइंट मुझे यहाँ भी ये लगा कि सब लोग पीएचडी की बात कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, आफ्टर पीएचडी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, अगर पोस्ट डॉक अगर करना चाहोगे आप तो पोस्ट डॉक के अंदर जो फेलोशिप आपको मिलती है वो इतना बड़ा पैकेज होता है कि हम उसका इमेजिन नहीं कर सकते। हमारे मेरा एक फ्रेंड है उसको मैरी क्यूरी मिली, उसको 2 साल का UCR का मिला है फेलोशिप, तो हम उस पर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिसर्च में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है,
क्योंकि पहला मोटिवेशन तो एक पैसा ही होता है, सही बात तो वही है। क्या बोलेंगे कि जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप उसको अचीव नहीं करोगे, है ना? तो आपको तो जब दिखता है कि टारगेट आपके पास ये है और आपको ये फेलोशिप अचीव करनी है या जेआरएफ जाना है, बहुत सारे लोग तो जेआरएफ इसलिए करते हैं कि भाई चलो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी हमें, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं कि हम आगे प्रिपरेशन कर पाए, तो जेआरएफ को टारगेट करके वो अचीव करते हैं, फिर उसके आगे की प्रिपरेशन उसके हिसाब से करते हैं। तो मेरा है कि अभी से आप टारगेट करो, अगर एमएससी फर्स्ट ईयर में हो आप, तो टारगेट करो कि आपको करना क्या है, दो साल के बाद आप कौन सी पोजिशन पे जाना चाहते हैं, पहले आप अपना प्लान बना के रखो और उसके हिसाब से सिलेबस को एनालाइज करते रहिए और टॉपिक को चूज करते रहिए। एड ऑन करूंगा, इट इज पॉसिबल कि कोई बच्चे का फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा नहीं है तो वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से निकाल दे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओके, बट ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ टॉपिक करने चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरा फिजिकल से हट जाओगे तो फिर आप आगे चल के जो आप इंटरव्यूज में एंटर करोगे वहां पे अगर क्वेश्चन आ गया आपको इंटरव्यू में तो फिर वहां पे आप फंस जाओगे। तो आप नेट तो क्वालिफाइड कर लोगे दो सब्जेक्ट की बेस पर, बट जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या आगे की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो, आपको फिजिकल कुछ आ ही नहीं रहा है, कैलकुलेशन मेथड कुछ आ ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे फिर कहीं ना कहीं वो आपको डिमोटिवेट करेगा आगे जाने के। तो ये रीसेंट अवेयरनेस आनी शुरू हुई है बच्चों के अंदर, अच्छा भाई मेरे को यूपीएससी नहीं करना है, मेरे को कोई एग्जामिनेशन और नहीं करना है, मेरे को एकेडमिक के अंदर जाना है। तो आप इसको करियर मान के चलिए, थर्ड ईयर से आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के अंदर मास्टर्स में जाएंगे आप एलिजिबल हो जाते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो अच्छा करियर में अच्छा पैकेज सर ने बताया, 2 करोड़ का पैकेज बताया, तो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफ के अंदर 1 लाख से ज्यादा दे रहा है, तो अच्छा पैकेज आप इसको भी कंसिडर करके चलिए कि आप इसमें अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। सर मेरा नाम गौरव कुमार है और जो मैं हूँ एक बहुत ही बैकग्राउंड लेवल से आया हूँ, मुजफ्फरनगर का एक छोटा सा गांव है और वहाँ से मैंने रह के तैयारी किया है और फिलहाल मैं अपनी मास्टर्स कर रहा हूँ और मेरा सेकंड सेमेस्टर में ही मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है। तो बुक को लेके मेरा एक क्वेश्चन था, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट और हमारे जो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन उसमें केवल इतना ही हिंदी मीडियम का बुक है, 2 या 4 आप उंगलियों पर गिन सकते हैं और वो इतना बेसिक लेवल का है, आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, TGT लेवल का भी एग्ज़ाम से नहीं निकलता। और जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा है वो हिंदी में जानता है, इंग्लिश वो पढ़ नहीं सकता। अब प्रॉब्लम यह है कि इंग्लिश वो पढ़ नहीं सकता और हिंदी से निकाल नहीं सकता, तो बहुत ही बच्चे मिनिमम अगर 100 है तो 90% बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, 10% बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में या LNIP जो टॉप यूनिवर्सिटी है उनमें पढ़ रहे तो एग्ज़ाम निकालते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो बुक है वो एक तो कैसे लिखना है और दूसरा कि उसको पब्लिश कैसे करते हैं। सबसे बड़ा फिर क्वेश्चन आता है कि API स्कोर में बुक का नंबर कितना मिलता है, क्योंकि अगर वो काउंट ही नहीं होगा तो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन था मेरा। आप दो कौन से, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक की बात कर रहे हैं कि आप अपने उसके मतलब बेसिकली एज अ रिसर्च अपने वैसे वाली बुक की बात कर रहे हैं? एक तो जैसे मैंने बुक लिखा है, जैसे रिसर्च पेपर लिखने के API स्कोर में 2 नंबर मिलते हैं, तो बुक लिखने का कितना नंबर मिलता है API स्कोर में पब्लिकेशन के लेवल से? उसका तो मार्क्स जुड़ता ही है। कितना मार्क्स? असिस्टेंट प्रोफेसर पे बुक्स के मार्क नहीं जुड़ते हैं और बुक्स के चैप्टर भी नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ जर्नल जुड़ता है। ओके सर, और दूसरा क्वेश्चन था कि सर बुक वगैरह कैसे, अगर लिखना चाहे तो कोई कैसे स्टार्टिंग कर सकता है? आप अंग्रेजी की बात कर रहे हैं हिंदी की बात? हिंदी मीडियम। हिंदी में तो देखिए आप अपना लिखना स्टार्ट कीजिए, आप 2-4 पब्लिशर्स से जाके मिलो और अपना एक कॉपी दो उनको, उनको पसंद आएगा तो वो छाप देंगे। आप अपने कंटेंट पे काम करो, आप एक काम करो, आप जिस जो भी लिखना चाहते हैं ऐसे 4-5 बुक्स उठा लो, आप देखो कि उसमें गैप क्या है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कवर नहीं है, जैसे कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं, जैसे आप फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो मेरी जो समझ है कि आजकल छोटे गांव से छोटे कस्बे से लोग भी मेडल जीत रहे हैं, तो आप ऐसे एलिमेंट्स उसमें डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि जब कोई नई बुक आती है तो बच्चा ये चाहता है कि उसमें हमको कुछ नया मिले। आप क्लास में भी जाओगे तो बच्चा ये एक्सपेक्ट करेगा कि जो इंटरनेट पे है वो तो ऑलरेडी मुझे आता है, सर और मैम अगर आए क्लास में तो मुझे कुछ नया बताएं, कुछ यूनिक बताएं। तो आप ये कोशिश करो 5-10 किताबें उठा लो हिंदी मीडियम में ही और आप ये देखो कि कौन सी बातें उसमें कवर नहीं है, ठीक है, आप उसको कवर करो तो आपको आपके पब्लिशर्स आपके पास आएंगे और आपकी बुक भी छपेगी। तो आपको आपका एक USP होना चाहिए। ओके थैंक यू सर। इसमें एक चीज और एड ऑन कर रही हूँ मैं कि आप पहले क्लियर आउट हो जाइए, जैसे मैं एक मेरी एक साहित्यिक बुक चल रही है और एक कॉमेडी,
कि आप उसको कंपटीशन लेवल के हिसाब से लिखते हैं या आप उसको अपने रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो उस पे आपको सिटिंग करनी है और 2 घंटे अपने टॉपिक को लेकर के आपको लिखना है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उस दौरान उसे लिखना है, फिर उसमें मॉडिफिकेशंस तो कंटिन्यूअसली होते ही जाएंगे। आपको लेके बैठना है पर्टिकुलर सेम टाइम सेम उस चीज को लेकर के आप बैठेंगे, उस टॉपिक को लेकर बैठेंगे तो आप डेफिनेटली लिख पाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, जैसे सर ने बताया कि किसी बुक से आप लेके और उसका कर सकते हैं, तो जैसे मैं किसी बुक से कॉपी करता हूँ तो वो किस तरह से गैप ढूंढना है? जी आपको थॉट लेना है बट अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में आपको उसको सोचना है। जैसे आपने कहा कि बैकग्राउंड, मैं इस बैकग्राउंड चाह रहा हूँ, तो वहां के बच्चों को उसके बारे में क्या परेशानियां हो रही है ना, तो वो सारी चीजें आपको अपने दिमाग में लेके अपने थॉट प्रोसेस को उसके अंतर्गत आपको लाना है। जैसे मैं किसी बुक से कोई पर्टिकुलर उठाता हूँ और उसको मैं अपनी ही लैंग्वेज में लिखता हूँ तो वो कॉपीराइट में नहीं आएगा? कॉपीराइट में तो नहीं आएगा, बट आपको रेफरेंस साइट करना, रेफरेंस फिर उसका रेफरेंस कैसे दूंगा, क्योंकि वो तो मैंने अपने लास्ट में रेफरेंस देना होगा। उसका तरीका हर चैप्टर के बाद एंड में आप रेफरेंसेस देते हैं जो ऑटोमेटिकली उसको कर देते हैं, मेंटली एक सॉफ्टवेयर है। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सर। चलिए ओके, सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब यहाँ आए और इस मैट कॉल के लिए को सक्सेसफुल बनाए, बिकॉज जब तक आप लोगों के सवाल नहीं होते हम लोगों के जवाब देने में मतलब नहीं होता। एंड सो एक बार मैं फिर से थैंक यू करना चाहूंगा श्वेता मैम का, एज संकेत सर का, कि उन्होंने टाइम निकाला और स्पेशली सैटरडे के दिन आप सभी के डाउट्स को यहाँ पे लिया। एंड ऑल द फैकल्टीज, अश्विनी सर, रवीन सर, कविता मैम, तो एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड द होल टीम जो हमारे साथ आज पीछे काम करी, एक बार सबके लिए एंड ऐसे फ्यूचर में और भी हम प्रोग्राम्स करवाते रहेंगे, सो स्टे कनेक्टेड विद द टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। ओके, जहाँ पे भी, बिकॉज टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म का ये हमने मोटिव ये लेकर चला है कि सिर्फ यूरिसनेट एग्जामिनेशन को क्रैक करवाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसके बाद भी हम स्टूडेंट्स को जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज एक स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है जहाँ पे पूरा कोर्स सिलेबस वाइज कवर हो जाता है, पेपर वन पेपर टू वो सब तो चीजें हो जाती हैं, बट वहाँ ऑर्गेनिक एंड स्ट्रक्चर्ड चीजें हैं, सो वो रेगुलरली टीचर्स आपको गाइड करते रहते हैं, स्टडीज बताते रहते हैं कैसे पढ़ना है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो रिजॉल्व करते रहते हैं, बट ये जो एक आस्पेक्ट है कि उसके आगे की जर्नी आप कैसे करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड चीज़ें नहीं हो पाती, और इसलिए वी आर ट्राइंग कि एटलीस्ट हर मंथ एटलीस्ट इस टाइप का कुछ कॉन्क्लेव करते रहें, अगर यूट्यूब पर पॉसिबल होगा डायरेक्टली ऑनलाइन करना तो वो भी कंडक्ट करेंगे, कभी ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन भी करते रहेंगे, बस ये है कि कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।